निवेदन है कि महिलाओं को जोड़िए ताकि आने वाले समय में महिलाओं का के प्रति जो महिलाओं के अधिकार हैं हम उनके अधिकारों का हनन ना होने दें, हम उनके अधिकारों को सरकार से भारत सरकार से सरकार से हम दिला सकते। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है और आज सभी आए मेहमानों का जो दूर दूर से आए हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं उनका भी स्वागत है और आने वाले नेक्स्ट मंथ में अच्छा प्रोग्राम जो है एक अच्छे लेवल पर होने जा रहा है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे और सभी लोगों की यहाँ पर आती होगी। मैं अध्यक्ष जी का भी सम्मान करता हूँ कि मेरे कुछ इंसान को बहुत छोटे से इंसान को एक मीडिया सेल का एक वो बनाया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। इस अंधेरे जगत में दीपक है अखबार। इस अंधेरे जगत में दीपक है अखबार, सुपक दिखावे सभी को आख करत है चार। यानी कि समाचार पत्र मीडिया जो है सबको एक अच्छा रास्ता बताते हैं और मैं ये आश्वासन देता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए एज ए मीडिया सेल का जो मुझे पद दिया गया है मैं उसका पूरे कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करूंगा। जो भी ह्यूमन राइट्स के अधिकार दिलाने के लिए किसी के लिए भी है मैं समाचार पत्रों के माध्यम से जहां भी होगा मैं आवाज उठाऊंगा और शासन प्रशासन तक उनकी आवाज जो है मैं पहुंचाऊंगा। हर तरीके से अपने भाई भाई नार्स का बीच में डिफरेंशिएशन है
यानी मजहबी तौर पे है, कैस्ट है, हर चीज है, लेकिन सबसे बड़ा मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, हर रिलीजन को एक जगह करके हम इंसानियत का करना है। जैसा खाली समर में कोई पानी पिला देगा, कोई भूखे को खाना खिला देगा, उसे कपड़ा खिला देगा, वैसे ही किसी का इंसाफ भी दिलाना है। ये ऑर्गेनाइजेशन में अपन लोग खाली पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जॉब बोलने के नहीं है, वीडियो को पेंशन दिलाने का MRO में क्या तरीका है, और क्या है, ओल्ड एज पेंशन क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो कर सकते हैं आप। एजुकेशन के लिए नए रिक्रूटमेंट क्या है वो कर सकते हैं। कोचिंग की टीम अब जैसा आजकल इंडिया लेवल में IAS क्लब बोल के चला रहे, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जाना है बोले तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन है, बड़े पैसे देना है, करना है, वो ये नहीं देखता। सबसे ज़्यादा चाहे अपने हैदराबाद हो, हिंदुस्तान में हर कोई छोटे से छोटे अतिथि मालूम है, देख जाना राजा की जो अधिकार है, गरीब मानने वाले का भी अधिकार है, बच्चे के भी वो अधिकार है, बच्चे का भी वो अधिकार है। यानी ला क्या बोलता हूँ, ऑल आर इक्वल बिफोर किंग और बेगर हो, इक्वल है सबको। एक आम इंसान को उसके जीने का अधिकार है, वो अपने तरीके से गवर्नमेंट में पढ़ सकता, गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर सकता, उन्हें इलेक्शन में कर सकता, उन्हें चाहे तो अपने तरीके से फंक्शन कर सकता, उन्हें वर्किंग कर सकता, उन्हें हर सोशल इक्वल की हर चीज़ देने का है। कि बोलने का काम तो अपने बात पर बोलने का कहीं नहीं है, अपन इलेक्शन में आते हैं तो नॉमिनेशन होता है, इलेक्शन में कैंपेनिंग होती है, रिजल्ट आता है, अपन जाके वोट बना देते हैं, अपने बेसिक नीड्स को सकते हैं, पानी की नहीं आते, अपन लोग एजुकेशन के थ्रू क्या है, हर फील्ड के लोग आए, मीडिया है, एजुकेशन है, मेन एजुकेशन है, मीडिया भी ऐसा है, वन ऑफ द 5 पिलर में गवर्नमेंट के 4 पिलर और एक 4th पिलर है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बाद एक ऐसा मीडिया है वो अपने उसके माध्यम से लोगों को वो करता है, अवेयरनेस लाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स बोर्ड दिल्ली में है, स्टेट ह्यूमन राइट्स बोर्ड यहाँ है, यानी पुलिस के अगेंस्ट जाना है तो ह्यूमन राइट्स में जाते हैं, हर चीज़ के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हर किसी को जोड़े, इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, हर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कोई भी रहने यानी महिला है या हर विंग है, इसमें ये लोग अपन जुड़ के कम से कम एक भलाई का काम करना। कोई भी एक मजहब में क्या है बोले तो पुण्य कमाना बोल के है, क्या है पोषक या अपन सीधा क्या करते हैं कुछ भी, अरे भाई आदमी सेटिस्फेक्शन जब होता कोई अच्छा काम करता, अपन किसी को भी एक कंप्लेंट भी करना है, उसको लिखने नहीं आता, अपने पास आए तो कोई की कंप्लेंट किसी के ऊपर केस डाले, अपने पास एलिगेशन केस डाले तो कोर्ट में अपने लीगल टीम की तरफ से उसके फ्री केस लड़ेंगे, या किसी को दोनों फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा, फैमिली डिस्प्यूट हो उसको काउंसिलिंग करके मिलेंगे, कोई एक जॉब है, कोई पास हो रहा उसको कोचिंग देने के यहाँ से जाकर फैसिलिटी से स्टूडेंट से लेकर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट राजेंद्र बोले గైడెన్స్ గా మీకు అందజేస్తాను.
आदाब। आज जैसे जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो तेलंगाना के प्रेसिडेंट साहब हैं अब्दुल रहमान साहब, मोहम्मद रहमान साहब, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हम लोगों के क्या क्या अधिकार हैं उससे हमें विस्तृत जानकारी दी। आज ह्यूमन राइट्स में जजों से लेकर के इस संगठन में जो रिटायर्ड जज हैं वो सब लोग इसमें सम्मिलित हैं, और जो भी हमारी टीम है हम लोगों का कार्य ये है कहीं भी पुलिस डिपार्टमेंट से या किसी भी विभाग से कोई अत्याचार हो रहा है तो हमें खुलकर के उसके लिए आवाज उठानी है। कहीं मान लीजिए जैसे आज देख रहे हैं क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, अपराध आज तेलंगाना में देखिए दिन प्रतिदिन चोरियां, अपराध, बलात्कार हो रहे हैं, हमें उसके लिए आवाज बुलंद करनी है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि डीएसपी एसपी सब सस्पेंड हुए हैं, किसी भी थाने में जाकर के अगर मान लीजिए हमारा जो भी क्षेत्र पड़ता है वहां कोई प्रताड़ित होता है, किसी का भी कोई शोषण होता है तो हमें उसके खिलाफ जो है आवाज उठा करके जो है उन्हें न्याय दिलाना है। सामाजिक कार्यों के लिए भी मान लीजिए हम लोगों का ये भी अधिकार है कि हम समाज के प्रति एक जागरूक हो, समाज में हमें किस प्रकार से जो कार्य करना है ताकि जो लेबर वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको भी जैसे एजुकेशन में, क्योंकि तो शिक्षा एक जो है रीढ़ की हड्डी है हर समाज की, हर क्षेत्र की, हमें जो है शिक्षा के लिए भी ये काम करना है। हमें टीम में ये बनाना है कि वास्तव में कौन जो ऐसे योग्य लड़के हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि उनको हमें, जैसे अभी पिछले दिनों जो हमारे ठकराल साहब जो हमेशा जो है जॉब मेला का आयोजन करते हैं, आज बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे भी रोजगार नहीं पा रहे, तो हमारे मनान साहब इंजीनियर हैं, उनसे हमारे ये जुड़े हुए हैं, कम से कम अभी तक वो 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को रोजगार दे चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां वहां आती हैं, तो हम सबको भी ये चाहिए कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में, हमारे समाज में, सारे समाज में अगर कहीं पढ़े लिखे बच्चे हैं और योग्य हैं तो हमको किस प्रकार से उनको जॉब दिलाना है। अगर मान लीजिए किसी के पास जॉब मिल जाता है तो अपराध ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। आज जो अपराधों का आधुनिकीकरण हो रहा है उसका मेन कारण जो है हमारी जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है हमें उसके ऊपर भी एक जो है वो टीम बनानी है, और मैं आश्वासन दिलाता हूँ अपने अध्यक्ष जी को कल तेलंगाना के अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें पुलिस अच्छे अच्छे अधिकारी लोग यहाँ पर पधारेंगे, यहाँ पर आएंगे, डीजीपी भी आएंगी, सब यहाँ आएंगे, हम उनको बताएंगे पब्लिक को क्या क्या शिकायतें हैं। नेक्स्ट दो महीने के बाद जो प्रोग्राम होने जा रहा है एक बड़े स्तर पे है, तो ये तो एक छोटा सा एक गैदर टू गैदर एक पहचान परिचय कराने के लिए ताकि सबका परिचय हो जाए कौन क्या है। तो अपन पूरे लोगा या अपन जो भी कमेटी मेंबर्स मिलते हैं आप है जो भी अपने से जो हर किसी इंसान की कोई ना कोई खूबी ह्यूमैनिटी ग्राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में अच्छे से करना, हम भी इसमें आए तो अपन किसी का सबको सहायता करेंगे, अपन खुद सब मिलकर करेंगे, बल्कि वो उद्देश्य आना बल्कि मैं बोलूँ। थैंक यू। आप सभी को हो गया है।
नीचे कर दो Thank you.
बड़े अफजलगंज हमारे के जो है बहुत बड़े प्रिंस हैं आप आए हमारे साथ रहेंगे सर। बोले सोना तो मैं जो भी यहाँ पे आए हैं बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से आप सभी को आज के इस समारोह में हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर के हम लोग इस संगठन को आगे बढ़ाएं। अब मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से सिख समाज तथा हमारे ठकराल साहब के जो आमंत्रण पर निमंत्रण पर विशेष मेहमान बुलाए गए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से जो है उनका सम्मान हमारे मोहम्मद रहमान साहब की साहब जो हमारे ऑल तेलंगाना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हैं अध्यक्ष हैं वो करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे बंटी वीर जी को आमंत्रित करता हूं, सरदार सरजीत सिंह जी ठकराल साहब, सरदार चरणजीत सिंह जी ठकराल साहब वो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से जुड़े हैं चाहते हैं। अब मैं सरदार अमरजीत सिंह जी ठकराल साहब को आमंत्रित करता हूं, वो भी सरदार अमरजीत सिंह जी ठकराल। अब मैं सरदार गुरमीत सिंह जी मखीजा ये भी बहुत समाज सेवी है बहुत समाज में और ये सब इनकी टीम है हमारी राजा ठकराल साहब की ये गुरमीत सिंह मखीजा साहब जी हमारे अध्यक्ष महोदय इनका सम्मान कर रहे हैं। सरदार जसमीत सिंह जी अरोड़ा रविंदर सिंह जी चावला मैं बहुत बड़े समाजसेवी और बड़े अच्छे होटल के हमारे जो संगठन में जितने भी कार्य होते हैं अकाल साहब के अच्छे से अच्छा व्यंजन बना के खिलाते हैं और बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े प्रोग्रामों में जो है इनका जो है करवंदा जी। अब मैं ऐसी शिक्षक को आपके रूप बरू कराना चाहता हूं जो वास्तव में हमारे आनंद चौधरी साहब है
जो है और ये जो है जितनी भी विधवाएं होती है ज्यादा से ज्यादा उनको पूरी हेल्प जो है हर तरह से हर महीने अपने जो बेचारे जरूरतमंद होते हैं उनको राशन वगैरह ये सब जो है कपड़े वगैरह कपड़े के व्यापारी अनिल कुमार हमारे अनिल कुमार जी ये भी कपड़े के व्यापारी है बहुत बड़े ये हमारे सरदार गुरजाल सिंह गुड्डू साहब किशन जी है ये भी हमारे कार्यकर्ता है और हमारे साथ से हमेशा बढ़कर सरदार गुरजाल सिंह जी गुड्डू ये बहुत समाज सेवी है और कोविड के दौरान हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे ये सब हमारे ठकराल साहब कहीं भी अगर मौत हो गई है उस मौत में जाकर के उसका अंतिम संस्कार कराना ये इनकी एक पहल थी और आज भी अगर कहीं भी कोई डेड बॉडी होती है और उसे कफन की जरूरत पड़ती है तो हमारे ठकराल साहब के तत्वाधान में ये उनके जाकर के उनको पूरी जो है उनकी जो है अंतिम संस्कार में पूरा भाग लेते हैं काफी दूर से आई हुई है उनका भी थैंक्स किया जाता है
नरसापुर वगैरह से भी जो है यहाँ पर मेंबर्स आए हुए हैं और सिख समाज के भी दूर दूर से आए हुए हैं, वो मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और न्यू मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं और यादगिर होता है भवनगिर से भी, वहां से भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। वो सभी मेंबर्स का जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन तेलंगाना स्टेट की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया है और कमिंग फिर एक बार याद दिला दूं सभी मेंबर्स को, इन द मंथ ऑफ अगस्त पूरा नेशनल मीटिंग, इंडिया का जो पूरा नेशनल मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो हो रही है अगस्त फर्स्ट वीक में, टेंटेटिव डेट दी जाएगी आप सभी को, वो आप सभी को जो है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और कॉन्फ्रेंस पूरी एक दिन की होगी। थैंक यू। खासतौर पे मैं सत्ताम सिंह पत्रकार साहब जो हमारी सुनो प्लस अपने हिंदी मिलाप में भी आपने अपना जो रिटर वर्क करते हैं, ये सभी जो है हमारी और दूसरे चैनल से भी आए हुए हैं यहाँ पर, 24 चैनल के भी यहाँ पर मौजूद हैं, 24/7 क्रॉस न्यूज वाले भी हैं, सपा न्यूज वाले हैं, सभी प्रेस मीडिया का जो है मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और अगस्त में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सभी शिरकत करेंगे, आप सभी को इन्वाइट किया जाएगा और उसको ग्रैंड सक्सेस हमको बनाना है। थैंक यू। थैंक्स वन ये हमारे इंटरनेशनल वुमेन सेल की जो है उससे जुड़ी हुई है, सुधारू महिलाएं मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, हमेशा ये इंटरनेशनल वुमेन राइट्स में इसी प्रकार से बढ़कर के काम करती है और महिलाओं को सशक्त करने में अपना पूरा योगदान। ये हमारे इंटरनेशनल वुमेन राइट्स की भार्गवी मैडम भी है और ये भी बहुत श्रद्धालु है, क्योंकि कहते हैं खत का मजबूत भाप लेते हैं लिफाफा देख के, खत का मजबूत भाप लेते हैं लिफाफा देख के और दिल का हाल जान लेते हैं चेहरा देख के। हमारे संगठन बहुत श्रद्धालु है, मेरी शुभकामनाएं है आप संगठन को साथ मिलकर के और महिलाओं को भी जोड़िए ताकि हम लोग सब जो है महिलाओं के लिए काम कर सकें। आज हम इस फास्ट मीटिंग एंड टीचिंग फील्ड एंड टीचर नेक्स्ट टाइम आई गिव मोर टाइम विद अस एंड स्पेंड मोर टाइम विद यू पीपल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay.
थोड़ा मूवमेंट Thank you.